स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 9 अप्रैल का करंट अफेयर कवर करेंगे। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की है। 5T योजना किसने बनाया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बनाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो CM है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो अभी अभी 2020 में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो इसमें इस पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 5T योजना का 5T योजना के बारे में बताया है। 5T योजना का मतलब ये होता है परीक्षण, ट्रेसिंग, टीम वर्क, उपचार और ट्रैकिंग। यहाँ पे कुल मिला के दिल्ली में कई हॉट स्पॉट मिले हैं। हॉट स्पॉट कहने का ये मतलब है कि वहाँ से बीमारी फैल रही है। तो दिल्ली सरकार को 1 लाख जांच किट मिलने वाले हैं, जिसको लेकर ये 5T योजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस देश ने COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है जापान के द्वारा। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक कोई भी इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। यहाँ पे केवल अभी लॉकडाउन है, लेकिन जापान ने 7 अप्रैल को ही इसके लिए आपातकाल लगा दिया। अगर आपको इकोनॉमी के बारे में बताएं, तो जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और इसका जो आपातकाल है ये अगले 1 महीने यानी कि 6 मई 2020 तक के लिए होगा। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। और जापान की के बारे में आपको बता दें कि यह जो आपातकाल है फिलहाल वहाँ के 6 प्रांतों में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो किसने दिया है भारत को, तो ये दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि भारत को हम 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आपको बता दें कि अमेरिका के अलावा चीन ने भी भारत को लगभग 170 हजार डॉलर देने के लिए बात की है। और भारत में अधिकतर चाइना से आपको PPE किट मिलने वाला है। PPE किट का मतलब ये होता है कि इसमें जो डॉक्टरों के ग्लव्स होते हैं, डॉक्टरों के लिए जो कपड़े होते हैं और जांच की जो वस्तुएं होती हैं, ये इसमें आता है। अगला है कि किसने COVID-19 के मानव और पशु संचरण को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। कोरोना वायरस द्वारा जानवरों को संक्रमित किए जाने की खबर आई थी अमेरिका से, और ऐसी खबर आने के बाद भारत सरकार भी एहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बाघ के कोरोना वायरस संक्रमित होने की सूचना मिली थी। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि चिड़ियाघर में जो चिड़ियाघरों के साथ राष्ट्रीय उद्यानों में भी ये टास्क फोर्स काम करेगी और ये सिक्योर किया जाएगा कि कोई भी जू यानी कि चिड़ियाघर इसके संपर्क में ना आए। अगला है कि किसने राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, तो ये निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये कोरोना वायरस 19 पर काम कर रहे स्टार्टअप के लिए भारत सरकार ने किसकी स्थापना की है। तो अभी आपने देखा था 5T योजना, तो 5T योजना तो दिल्ली सरकार की है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे भारत सरकार ने कौन से योजना को शुरू किया है, तो यह है CAWACH। ये चलाया जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। इसमें कुल मिला के भारत सरकार ने इसको 56 करोड़ रुपए दिया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। इसमें वेंटिलेटर और भी तरह के जो चिकित्सीय उपकरण है उनकी व्यवस्था की जाएगी। अगला है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए MP लैंड्स यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को
अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मतलब कि अब जो सांसद निधि आती थी, सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र का विकास करते थे, इसे फिलहाल 2 साल के लिए रोक दिया गया है। इसमें जो भी पैसा मिलेगा इसको सीधे कोरोना वायरस से लड़ने में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट ने सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन को 1 वर्ष के लिए 30% कम करने की मंजूरी के लिए एक अध्यादेश भी पारित करा लिया है। अगला है कि किस मंत्रालय ने MHRD AICTE COVID-19 छात्र हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह एक पोर्टल है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि हॉस्टल और कॉलेज को बंद करने के कारण जो छात्रों में कुछ तरह की कठिनाई जो छात्र सामना कर रहे हैं उनको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे 500 से अधिक कॉलेजों की सहायता ली गई है और इसके तहत छात्रों की जो परीक्षाएं हैं उनको अगले कुछ समय के लिए टाला गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले देखते हैं कल के क्वेश्चन का सही उत्तर बताने वालों का नाम। उनका नाम है 3M स्टडी, कुलवेंद्र सिंह, प्रिया सिंह, संजय प्रजापति, देवेंद्र प्रताप, कृष्णा राय, लक्ष्मी यादव, सौम्या कुमारी और सनातन अनुज। तो इन्हीं लोगों ने अपना उत्तर कल के क्वेश्चन का कमेंट करके बताया है। आज का क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक में आप सत्यमेव जयते देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है। आपका विकल्प यहाँ पे है। आप अपना उत्तर कमेंट करने के साथ इस वीडियो को लाइक करें और इस ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।